मध्य प्रदेश के बड़वाह वीआरसी कार्यालय परिसर में स्थित आवासीय बालिका छात्रावास में बुधवार को माँ बेटी मेले का आयोजन संपन्न हुआ है, तो कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि के रूप में डोंगर सह एवं संजय गुप्ता, सोहन शाह, प्रदीप सेठिया, प्रवीण शर्मा व विशेष अतिथि रहे हैं एसडीएम मिलन ढोके व डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान। तो यहाँ छात्रावास अधीक्षिका प्रतिमा गंगराडे, सहायक वार्डन आशा गंगराडे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया है। तो कार्यक्रम में छात्रावास की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी हैं, जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की है। इस दौरान बीआरसी डीएस पवार ने 50 बेड वाले छात्रावास को 100 बेड के नवीन छात्रावास निर्माण की मांग पर उपस्थित अतिथियों के समक्ष बात रखी है। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय गुप्ता, प्रदीप सेठिया, डोंगर से ने मांग को विधायक सचिन बिरला के समक्ष रख जल्द से जल्द 100 बेड वाला छात्रावास के नवीन भवन बनाने का आश्वासन भी दिया है। इस छात्रावास में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो छात्रावास चलाने वाले कर्मचारियों, अधीक्षिकाएं और जितनी भी महिलाएं इस छात्रावास को चला रही हैं, मैं समझता हूँ इस छात्रावास बारे में आज तक भी कई सालों से ये छात्रावास संचालित हो रहा है, किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। और मैंने देखा है 26 जनवरी का कार्यक्रम हो या 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, इन बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी से वहाँ पे ले जाया जाता है। बहुत खुशी होती है देख के कि इनके ऊपर जिनकी जिम्मेदारी माताएं घर पे हैं, पर जो आप माओ का जो यहाँ पे जो माओ की जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रही हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। आज माँ बेटी काले का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था छात्रावास में, उसमें विशेष अतिथि के रूप में डोंगर सिंह खंडाला जी एवं एसडीएम साहब और डिप्टी कलेक्टर जी राहुल जी चौहान और प्रदीप सेठिया जी और पत्रकार बंधु और छात्रावास की बालिकाओं की माताएं एवं मेरे स्टाफ के सभी शिक्षक साथी और बीआरसी कार्यालय के स्टाफ साथी सभी शामिल हुए और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। बच्चियों ने भी बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी और बच्चियों की माँओं ने भी प्रेरणा अपने द्वारा कहा गया कि बच्चियों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने जो अधीक्षिका की तारीफ करी उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हॉस्टल में बच्चियों के लिए अच्छा कार्य कर रही हूँ और मैं आगे भी इससे भी बेहतर कार्य करने की कोशिश करूँगी। माँ बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बच्चे यहाँ पर अपनी माएँ बच्चियों को भेजती हैं उनकी क्या स्थिति हो, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, उनका किस प्रकार लालन पोषण हो रहा है, उन सबको यहाँ पे एक साथ रखने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो काफ़ी सराहनीय है। और यहाँ पे हमने देखा कि सभी जो माएँ हैं अपनी बच्चियों की जो यहाँ पे लालन पालन से काफ़ी संतुष्ट लगी, और मैं जो यहाँ का स्टाफ है, अधीक्षिका है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। छात्रावास के लिए यहाँ पे सुबच्चियों के लिए छात्रावास की मांग की है, चूँकि ये बहुत पुराना जर्जर बिल्डिंग है। हम विधायक जी से बात करेंगे और जल्दी से हम बढ़वा में 100 बच्चियों के लिए छात्रावास के निर्माण करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ अगले सत्र में हम इसे पूरा करवा कर ही रहेंगे।